अब आज आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जिस खबर को पढ़ने सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आखिर अखबार में छपने वाले विज्ञापन में किस तरीके से कोई भी कंपनी, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप को कैसे नंबर वन साबित कर देता है और उस नंबर वन साबित करने के बाद कैसे उनके ऊपर एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया किस प्रकार से नज़र रखती है और किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई करती है। अजमेर के ही अपने आप को नंबर वन बताने वाले आर्यभट कॉलेज के ऊपर इस बार नोटिस आया है और नोटिस दिलवाया है तरुण अग्रवाल, आरटी एक्टिविस्ट हैं जो, उन्होंने, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। तरुण जी, क्या है ये पूरा मामला? अखबार के अंदर कोई विज्ञापन छपता है जिसमें एक कॉलेज अपने आप को नंबर वन बताता है, वो पूरा विज्ञापन क्या है, क्या आप वो दिखा पाएंगे और ये पूरा मसला क्या है, कौन से काउंसिल ने इसके ऊपर क्या कहा है? जी बिल्कुल, ये 31 मई 2019 को अजमेर का एक समाचार पत्र है, उसमें एक विज्ञापन आया था आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलेज का, इसमें इस कॉलेज ने अपने आप को नंबर वन कॉलेज बताया था। ये मैं आपको विज्ञापन बता रहा हूँ अखबार का, इसमें इन्होंने नंबर वन कॉलेज बताया। मुझे ये एकदम भ्रामक विज्ञापन लगा जब मैंने इसको पढ़ा, एकदम मेरी नज़रियाँ रुकी। नंबर वन कॉलेज आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ कॉलेज, नंबर वन पहला मेरे सवाल आया, नंबर वन कहाँ का? अजमेर का नंबर वन कॉलेज, राजस्थान का नंबर वन कॉलेज, भारत का नंबर वन कॉलेज या विश्व का नंबर वन कॉलेज? इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था। दूसरा फिर ये आया कि इसने नंबर वन लिख तो दिया है लेकिन इसको किस एजेंसी ने प्रमाण पत्र दिया नंबर वन होने का? ऐसा इसमें कोई नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसको कोई सर्टिफिकेट दिया हो, किसी एजेंसी ने सर्वे किया हो, उसका कोई प्रमाण पत्र हो। मेरे को ये भ्रामक विज्ञापन लगा। इसको लेके मैंने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ काउंसिल मुंबई, इसका मुख्यालय है जो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पे अपना कंट्रोल रखती है, उसको कंप्लेन मैंने ईमेल के थ्रू भेजी। उन्होंने मेरी कंप्लेन को दर्ज करते हुए आर्यभट्ट कॉलेज को एक नोटिस जारी किया कि आप इसमें अपना जवाब बताएं कि ये भ्रामक है, किस तरह से ये क्या विज्ञापन है। तो ना तो ये उपस्थित हुए वहाँ पर और ना कोई अपना कोई जवाब सबमिट किया। तो उन्होंने फिर अपने स्तर पर ये मानते हुए कि नंबर वन कॉलेज बताना अपने आप को ये एक भ्रामक विज्ञापन है जिससे कि अभिभावक भी गुमराह होते हैं, छात्र भी गुमराह होते हैं, तो ये एक पूरी तरह से मिसलीडिंग है विज्ञापन है। दूसरा, इस विज्ञापन में ये दिया था कि 100% जॉब असिस्टेंस, मतलब 100% आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे ये, तो इसको भी इन्होंने भ्रामक माना है कि आप कैसे भी जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं किसी को, ये लिखना भी इन्होंने मिसलीडिंग माना है। और इसको मानते हुए उन्होंने कॉलेज को ये सलाह दी है कि आप इस विज्ञापन को 6 सितंबर तक या तो मॉडिफाई कर लें और या फिर इसको विड्रॉ कर लें। तो इस तरह से ये इन्होंने ASCI ने मेरे कंप्लेन के ऊपर एक्शन लेते हुए और ये कार्रवाई की है। अच्छा तरुण जी, अखबारों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कोई अपने आप को नंबर वन बताता है, कोई कंपनी अपने आप को नंबर वन बता लेती है और आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं उपभोक्ताओं के हित के अंदर। ऐसे में जो नया अभी संसद के अंदर उपभोक्ता विधेयक 2019 जो पास हुआ है, उसमें ऐसे विज्ञापनों के ऊपर अभी तो केवल नोटिस जारी कर दिया है, अब नए कानून के हिसाब से क्या प्रावधान है? सजा के प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है, क्या प्रावधान है? पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अपना काम करता था, उसके अंदर अगर किसी भ्रामक विज्ञापन को हम लेके कंज्यूमर उपभोक्ता मंच में जाते थे तो उसको नोटिस जारी होता था और वो अगर दोषी पाया जाता था तो जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता था। लेकिन अभी जो 2019 का उपभोक्ता कानून आया है, बड़ा ही सख्त है, बहुत अच्छे इसमें प्रावधान दिए गए हैं, उसमें सेलिब्रिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। पहले सेलिब्रिटीज़ को इंक्लूड नहीं करते थे अगर कोई भ्रामक विज्ञापन में आते थे, अब ये प्रावधान है कि अगर कोई भ्रामक विज्ञापन देता है और वो दोषी पाया जाता है तो भारी जुर्माना इसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर किया जा सकता है, साथ ही सजा का भी प्रावधान है इसमें, सजा भी हो सकती है भ्रामक विज्ञापन देने वाले को। तो इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन ना दें, तो ये एक अच्छे इसमें प्रावधान किए हैं नए कानून के अंदर। आप तो दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगे क्योंकि ऐसे विज्ञापन तो लगातार हर रोज आते हैं, कोई बिल्डर देता है, कभी कोई कॉलेज दे रहा है, कभी कोई कंपनी दे रही है, कोई आपकी अपील खास? जी पहले भी मैं आपके माध्यम से अपील करता रहा हूँ शहरवासियों से और उपभोक्ताओं से, वापस मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जब भी कोई वस्तु या सेवा आप खरीदें तो उसको पूरी जांच पड़ताल करें, क्योंकि आज के समय में हर कोई संस्था अपने आप को नंबर वन बताने से चूकती नहीं है। कोई कहता है हम नंबर वन है, कोई कहता है कि हमारी क्वालिटी सबसे बेहतर है, विश्व में नंबर वन है, तो इन सबको आप अपने स्तर पर पड़ताल करें खरीदने से पहले। कोई सेवा ले रहे हैं तो वास्तव में जो वो बोल रहा है वो है या नहीं है, आप पड़ताल करें, पूरी जांच करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके भविष्य से खिलवाड़ हो सकता है और आपको आगे क्षति हो सकती है। तो मेरा आपके माध्यम से यही है कि जागरूक रहें और सावधान रहें। जागरूक रहें और सावधान रहें, ये तरुण अग्रवाल अपील कर रहे हैं और MPTV इंडिया भी अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि अब से
अखबार के अंदर जब भी आपको ऐसे विज्ञापन नज़र आए जिसमें कोई कंपनी अपने आप को नंबर वन कह रही हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी 100% प्लेसमेंट का दावा कर रही हो, तो एक बार ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से सावधान हो जाएं और अपने स्तर पर उसकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।